चैन से रहना है तो जाग जाओ और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि वेदास सिटी में लेक पूरी तरह बर्फ में जम चुकी है। लोग वहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है वेदास सिटी कश्मीर में बदल चुका है। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग है या फिर कोई चमत्कार? इन सब सवालों का जवाब लेकर हम जल्द ही लौटेंगे। तब तक आप देखते रहिए वेदास सिटी चैनल। नाना जी, मैं अपने दोस्तों के साथ लेक में आइस स्केटिंग करने जाता हूँ। अरे तुम अकेले क्यों, हम सब चलेंगे। भीम सिंह, चलने की तैयारी करो। नमस्ते बच्चों, तुम लोग स्केटिंग करो, मैं और नाना यहाँ बेंच पर बैठते हैं। कितना मजा आ रहा है, यकीन नहीं होता वेदास सिटी लेक बर्फ बन गई है। अरे वाह, ऐसा लग रहा है हम एंटार्क्टिका में हैं। देखो मैं कितनी मस्त स्केटिंग करता हूँ। नमस्ते नाना नानी। अरे अरे कोई रोको रोको। एक बार हमारे गांव की लेक भी ठंड में जम गई थी। मैं तीन दिन तक लगातार स्केटिंग करता रहा। फिर चौथे दिन मेरी आँख खुली तो पता चला कि मैं तो सपना देख रहा था। इतना सुहाना मौसम, मेरा गाने का बहुत मन कर रहा है। क्यों सबका मजा किरकिरा करना चाहते हो? चुप करो अभी। आविष्कार के आविष्कारों का कोई जवाब नहीं। मिस्टर आविष्कार, हम सब रेडी हैं। अभी सिर्फ लेक जमाई है, अब जाके पूरे शहर का पानी जमा देंगे। जाओ वेदास सिटी में ये वैन लेकर घुमाओ और मेरी पानी जमाने वाली दवा को धुआं बना के इसकी चिमनी से हर तरफ फैला दो। जहाँ जहाँ धुआं जाएगा वहाँ वहाँ पानी बर्फ बन जाएगा। जब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हो जाएंगे तो हम अपनी पानी पिघलाने वाली मशीन मन माने दामों में बेच के करोड़ों रुपए कमाएंगे। यस यस, आविष्कार के आविष्कारों का कोई जवाब नहीं। कोई इधर रहा का। बचाओ।
सबकी जान बचा ली। थैंक यू शिवा। इट्स ओके अंकल। जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो। अभी बना कर लाता हूँ नाना जी। अरे नाना जी चाय कैसे बना, घर में तो पीने तक का पानी नहीं है, सारा पानी जम गया है। कोई बात नहीं, मौसम ठंडा है, पानी जम गया होगा। मैं अभी गाना गाकर पानी पिघला देता हूँ। पानी पिघला 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 पानी 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 पिघला। आप गाना गाना बंद करिए, मैं पड़ोसियों से पूछ कर आती हूँ। आया आया। इनको क्या हुआ? इन्होंने मिर्ची खा ली है और घर में एक बूंद पानी नहीं है, सब जम गया जी। अरे बाबा, हमारे यहाँ भी बिल्कुल पानी नहीं है। सुना है वेदास चौक के पास जो हैंड पंप है उसपे पानी आ रहा है, जल्दी चलो। चलो चलो भीम सिंह, पानी भरने चलो। शिवा, नाना जी को ले आओ, वो एक राग सुनाएंगे और सब भाग जाएंगे, फिर हम जल्दी पानी भर सकेंगे। क्या तुम मेरे नाना जी का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस। पानी भरो भरो, कितनी देर भरोगे? जम गया, यहाँ का पानी भी जम गया। ऊपर वाले, अब हम क्या पिएंगे? लड्डू सिंह जी, कुछ करिए, पानी का इंतजाम करिए। अरे नानी, मैं कल से नहाया नहीं हूँ, सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया, मैं क्या करूँ? मैं तो खुद पानी भरने आया था। बोलो, पानी जम कैसे रहा है? पानी तो ठंड में जमता है, यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं है, फिर पानी कैसे जमा? कहीं ये उस वैन की वजह से तो नहीं? जैसे ही वो वैन यहाँ आई पानी जम गया। मैं जाके चेक करता हूँ। अंकल, आप लोग कुछ बेच रहे हैं क्या? बच्चे जाओ अपना काम करो। दोस्तों, भाइयों, बहनों, लीजिए पानी पिघलाने की मशीन। अब किसी के घर में पानी की तकलीफ नहीं होगी, नल में, कुएं में, ड्रम में कहीं पानी नहीं जमेगा। ये तो वही वैन है और वही लोग, बस वैन के ऊपर चिमनी नहीं है। देखता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। बड़े बाबा, मुझे तो ये मशीन कितने की है? 10,000 की। बड़ी बाबा, 10,000 की? इतनी महंगी? लेना है तो लो, जब शॉर्ट सप्लाई होगी तो 50,000 में बिकेगी। मुझे तो मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं है। मुझे दो, 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 म
इसे घर में लगा के ऑन करिए। इसका लिक्विड जब घर में फैलेगा तो हर जगह का पानी अपने आप पिघल जाएगा। ये बात है, अगर इनकी मशीन पानी पिघला सकती है तो जमा भी सकती होगी। मेरे ख्याल से ये पहले पानी जमाते हैं और फिर पानी पिघलाने की इतनी महंगी मशीन बेचते हैं। सॉरी, मशीन का स्टॉक खत्म हो गया, हम कल फिर आएंगे। मैं देखता हूँ ये कहाँ जा रहे हैं। ये तो वही बच्चा है जो पहले भी पूछताछ कर रहा था और अब हमारा पीछा कर रहा है। लगता है इसको हम पर शक हो गया है। वैन तेज चलाओ। अच्छा हुआ उस बच्चे से पीछा छूटा। वो पीछे है, अभी लैंड किया है। ऐसा लगा जैसे बाइक उड़ा के लाया है। ओह नो, इसका तो इलाज करना होगा। आविष्कार चंद को बताना होगा। ओके, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने ऐसी रुकावट को रास्ते से हटाने का इंतजाम पहले ही कर रखा है। हेलो टाइगर, सर उसने तो उन गुंडों को धो डाला। बच्चा है या मुसीबत? डोंट वरी, आविष्कार के आविष्कारों का कोई जवाब नहीं। फैन में ब्लू बॉटल का बटन दबाओ और जोर से एक्सेलरेटर दबाओ। थोड़ी देर में बच्चा अपनी जगह पर जम जाएगा। ओके बॉस। चालाक है, यही लोग पहले पानी जमा देते हैं और फिर आइस पिघलाने की मशीन बेचते हैं। लड्डू सिंह जी को लेकर आओ, मैं उनका पीछा करता हूँ। कोई लड़का साइकिल चाहेगा तो उसे रोकना, आने मत देना। ओके बॉस।
जाओ, कौन हो तुम? सॉरी टाइम नहीं है, वरना बताता मैं कौन हूँ। ब्लू टायर ऑन करना पड़ेगा। अरे ये आफत की गुड़िया पीछा ही नहीं छोड़ रहा, देखो कैसे साइकिल चला रहा है। केबल टूट जाएगी तो हम सब नीचे जाएंगे। बॉस वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, नहा धो के पीछे पड़ा है। जब पानी ही नहीं है तो नहाया धोया कैसे? बॉस ये कहावत है। ये दोनों मेरे बेस्ट कमांडो हैं। अभी उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। अरे हमारे पीछे क्यों पड़े हो बच्चे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। कोई उसे रोको, रोको उसे। अरे मेरे सालों की मेहनत बर्बाद क्यों कर रहे हो? आदमियों को तोड़ो, मशीन मत तोड़ो। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सॉरी भाई, गलती हो गई, मेरा पीछा छोड़ दो। आई एम सॉरी, गलती हो गई, ऊपर खींच लो प्लीज। कभी सोचा नहीं था कि छोटे से बच्चे से, मेरा मतलब है कि शिवा से मार खानी पड़ेगी। तुम ये तो जान गए हो कि पानी मैंने जमाया, मेरा क्या धंधा है, लेकिन एक बात नहीं जानते, आविष्कार के आविष्कारों का जवाब नहीं। बच्चे, तुम बच्चे हो जाओ, बच्चों के साथ खेलो। भी है। साइंटिस्ट कौन है, वो या मैं? चलो अंकल जेल चलते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे जेल नहीं जाना। लड्डू सिंह जी, हाँ? ये रहा आपका अपराधी, अब आप इसे जेल में ले जाके जमा कर दो। ले चलो, ले चलो, इस बच्चे से जितना दूर ले जा, मेरा मतलब है शिवा से जितना दूर ले जा सकते हो, ले चलो, मुझे इसकी सूरत भी ले ही देख ले। अब जेल में सिर्फ मेरी सूरत देखना।